कोरोना की दूसरी लहर की खतरनाक मार झेलने के बाद अब लोगों को तीसरी लहर का डर सताने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। वहीं कोरोना के साथ ही यूपी में अधिकांश जिलों में रहस्यमय बुखार का भी आतंक फैला हुआ है। लेकिन आज हम आपको यूपी के सबसे वीआईपी जिले अमेठी की कुछ उन स्वास्थ्य सेवाओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप खुद इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यहां कोरोना से निपटने की तैयारी चल रही है या फिर कोरोना को दावत दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कुंजु पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। हम आपको कुछ और बताएं, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। घास, गंदगी, बिना बिजली के परिसर में काम करते लोग, ये तस्वीरें सांसद स्मृति ईरानी के हाईटेक जिले अमेठी के भेटुआ चौराहे पर मौजूद एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। इन्हें देखकर यकीनन आपको गुजरे जमाने की बात याद जरूर आई होगी, जब गांव में बिजली और किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे अनूठी बात ये थी कि यहाँ परिसर में लोगों का इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि कंपाउंडर और एक नर्स करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पिछले 6 महीनों से कोई डॉक्टर नहीं तैनात किया गया है, जिससे न केवल लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं बल्कि वो चाहकर भी अपनी दुविधा किसी को बयान नहीं कर पा रहे हैं। जी, यहाँ पे डॉक्टर 6 महीने से ऊपर हो गया, कोई डॉक्टर नहीं रहता, कोई सुविधा नहीं है, यहाँ दवा कोई नहीं मिलती और सारी व्यवस्था देख रहे हैं आप, सारा पानी भरा हुआ है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना कुछ है, ना प्रसव होता है यहाँ पर। पहले कभी होता था यहाँ पर, प्रसव वगैरह की व्यवस्था थी, लेकिन अब लगभग साल 6 महीने से ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली के साथ ना तो पीने का पानी है और ना ही कोई अन्य सुविधा। यहाँ तक कि कोरोना से बचने के लिए लोग यहाँ अगर टीका लगवाने भी आते हैं तो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। क्यों, आप यहाँ आए ग्रामीणों से ही सुनिए। जी, यहाँ कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाने आए थे। तो यहाँ पे क्या आपको सुविधाएं मिली, डॉक्टर हैं कि नहीं है? सर, यहाँ डॉक्टर तो 6 महीने से ऊपर हो गया, नहीं आ रहे और कोई भी सुविधा ठीक है नहीं यहाँ पर, ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना इलाज है। हमारा यही नज़दीकी पे शॉप है, मोबाइल की दुकान है। विगत यहाँ 6 महीने से कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ अधिकारी वर्मा जी हैं, इनसे कई बार हम बात किए तो इन्होंने बताया कि सुजीत यादव यहाँ नियुक्त हैं, सुजीत यादव से भी कई बार बात किए तो बोले हमारी ड्यूटी वहाँ नहीं, हमारी ड्यूटी नोगिरवा है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और प्रसव की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 1 साल पहले यहाँ प्रसव कराया जाता था, ना तो यहाँ बिजली इन्वर्टर की व्यवस्था है, ना पानी की। समर सेबल काफ़ी दिन से ख़राब है, पीने के लिए यहाँ डॉक्टर एवं जो मरीज आते हैं पानी दूर से लाना पड़ता है, और इन्वर्टर लगभग 6 महीने से ख़राब है, डॉक्टर और हमारे मरीज सारे परेशान रहते हैं। कई बार शिकायत भी हम लोगों ने की लेकिन शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ताज्जुब की बात तो ये है कि 1 साल पहले यहाँ महिलाओं का प्रसव करवाया जाता था, लेकिन आज के हालात कुछ और ही हैं। वहीं बात करें कि क्या इन चीज़ों की शिकायत की गई, तो बेशक की गई है, लेकिन आज तारीख तक इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा नहीं बदली है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या यही है स्मृति दीदी का सबसे हाईटेक और सुनहरा अमेठी, जिसे लेकर उन्होंने बढ़ चढ़ कर यही बोला कि अमेठी में कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी नहीं टिक सकती क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेहतर है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने सहयोगी अजय कुमार के साथ कवर की है। आपको हमारी खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।